बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत मसर हैं, इनको धो के अच्छे से साफ कर लिया। जितने मसर हैं उनसे डबल पानी शामिल करना है। तो अगर आप चावलों के साथ बनाना चाहते हैं तो तीन गुना ज़्यादा पानी शामिल कर लें। हम चावलों के साथ बना रहे हैं इसलिए तीन गुना ज़्यादा पानी शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्च ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया और रेड मिर्च जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसर आप रोटी के साथ बनाएं या चावलों के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और इंशाल्लाह जब बड़े मज़े के बनेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आप वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। माशाल्लाह से मसर जो है वो गल चुके हैं बिल्कुल, और अब इसको हम उतारेंगे नीचे और इसको लगाएंगे तड़का। ऑयल हमारा गर्म है, एक प्याज हमने काटा है, प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, अदरक शामिल करने लगे, अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। नमक, रेड मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला, ये तमाम चीजें शामिल करने लगे तड़के के अंदर। मामूली सा पानी, टमाटर का पेस्ट, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तड़का हमने लगा लिया है, लास्ट में इसमें हमने शामिल करना है सब्ज़ धनिया। मसर हमारे बिल्कुल रेडी हैं, अभी चेक करेंगे और आपको इनका टेस्ट बताएंगे कि कैसा है। Thank you.
बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है कुछ दिनों से हमारी वीडियो में, और उसकी वजह ये है कि हमारे साथ वाले घर में बोर हो रहा है, बोर किया जा रहा है पानी के लिए, ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा जो है, ये बिल्कुल हमारे किचन के साथ ही ये बोर हो रहा है, इसलिए ज़रा शोर आता है हमारी वीडियोज़ में। माशाल्लाह से मसर जो हमारे हैं ये बड़े मज़ेदार बने हैं, हमने चावलों के साथ बनाए थे, हल्का सा तड़का लगाना है ज़ीरे का चावलों को, और इस रेसिपी को आप ट्राई करें और देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।